हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, आप लोग ने जो थंबनेल में टाइपोग्राफी इफेक्ट देखा वो हम लोग कैसे बना सकते हैं इलस्ट्रेटर के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट ले लिया है, जो गूगल से कोई भी आप रैंडम टेक्स्ट ले सकते हो, दैट इज मतलब कुछ कंपल्सरी नहीं है, वो आपको जो लेना। और दो कलर्स मैंने ले लिया। अब हम लोग का अभी करना क्या है, पहले एक हम लोग सर्कल लेंगे, एक्लिप्स टूल जिसका शॉर्टकट है एल, और शिफ्ट और ऑल दबा के उसको एकदम परफेक्ट सर्कल बनाएंगे और उसको सेंटर अलाइन कर देंगे आर्टबोर्ड से। अब हम लोग को ये सर्कल को ना तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम लोग पहले बी लेंगे जो ब्रश का शॉर्टकट है, और उसको एकदम सबसे पहले ब्रश का सेटिंग में डबल क्लिक करके एकदम स्मूथ कर देंगे हम लोग, और उसको ओके दबा देंगे। और दो पार्ट बनाएंगे हम लोग कुछ भी कर्व्स करके ऐसे, लाइक मैं एक ऐसे बना रहा हूँ और एक ऐसे। अभी आप लोग कलर समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये येलो कलर का कैमोफ्लाज हो रहा है, अब आप लोगों को समझ में आएगा ये क्या है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग दो टो पाथ को ले लेंगे सर्कल से सेंट्रल लाइन कर देंगे, और दोनों का विड्थ रफली अराउंड हम लोग 15-16 रख सकते हैं, जैसे मैंने 16 रखा, या आई गेस बहुत ज्यादा है, या फिर ऊपर वाले को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब हम लोग करना क्या, ये दोनों स्ट्रोक को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस करना, तो वो लोग स्ट्रोक से लेकर सीधा फिल हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब तीनों को सिलेक्ट करके, दोनों फिल को और एक सर्कल को, दोनों को सिलेक्ट करके पार्ट फाइंडर में हम लोग सेकेंड ऑप्शन जो है -1 वो दबा देंगे, और आप देख सकते हो तीन हिस्से में डिवाइड हो चुका है। अब हम लोग उसको अनग्रुप करेंगे, और ये तीनों जो टेक्स्ट है उसको हम लोग क्रिएट आउटलाइंस कर देंगे उसका। अब हम लोग को तीनों जो हम लोग का सर्कल्स का हिस्सा है, शिफ्ट कंट्रोल अपर क्लोज ब्रैकेट दबाएंगे, जिसके जिससे वो लोग सबसे टॉप में आ जाते हैं, जो था ना ये वाला अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट, उसका शॉर्टकट है वो। अब हम लोग को करना क्या है, बेसिकली एक पार्ट को लेंगे और एक टेक्स्ट को लेंगे, और ऑब्जेक्ट में जाके हम लोग एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाएंगे और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। सेम वैसे ही हम लोग बाकी दोनों के साथ भी करेंगे, पर इस टाइम लोग ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट में नहीं जाएंगे, उसके बजाय में उसका शॉर्टकट यूज करेंगे जो है Ctrl+Alt+C। सेम हम लोग नीचे वाले के साथ करेंगे। सो गाइज, ऐसे हम लोग का ये रेडी होगा। अब हम लोग तीनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। अब ये सब अलग अलग बन गया। अब हम लोग को ना एक ग्रुप बना लेना पड़ेगा। सो ये तीनों को सिलेक्ट करके Ctrl+G। अब हम लोग को करना क्या, बेसिकली इसको वैसे 3D इफेक्ट, डेप्थ इफेक्ट लाने के लिए हम लोग को इसका एक कॉपी बना के एकदम पीछे रखना पड़ेगा, वो भी डार्क कलर में। तो हम लोग Ctrl+C दबाएंगे और Shift+Ctrl+V दबाएंगे, हाँ, जिससे वो उधर में प्लेस हो गया। अब देखिए इसका दो कॉपी हो गया, तो हम लोग एक कॉपी का कलर ब्लू कर देंगे और उसको येल्लो वाला एकदम छोटा कर देंगे हम लोग, पर अभी आप देख सकते हो उसका ऊपर है, अब उसको हम लोग येल्लो वाले के एकदम पीछे कर देंगे। अब करना क्या, अब दोनों को सिलेक्ट करके, दोनों को जो सिलेक्ट करेंगे हम लोग, दोनों को सिलेक्ट करके येलो और ब्लू वाले को ब्लेंड करना है। यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन है, इसमें हम लोग देख सकते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स 8 है, तो हम लोग उसको 1000 कर देंगे और दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+B दबाएंगे, ये ब्लेंड हो गया ऐसा। अब हम लोग एक बैकग्राउंड भी बनाएंगे उसका, जिसका कलर हम लोग सेम रखेंगे जो हम लोग ब्लू रखे थे, और उसको एकदम सेंड टू बैक कर देंगे। सो गाइस, ऐसे हम लोग का इलस्ट्रेशन बन गया। पर इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए, ब्लेंड वाला जो है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, उसमें हम लोग डबल क्लिक करेंगे और उसका ऊपर वाला ना, जस्ट डोंट गिव अप, उसका ऊपर वाले को Ctrl+C दबा के वापस पीछा के Shift+Ctrl+V दबा देंगे, और उसका कलर हम लोग व्हाइट कर देंगे। सो गाइज, ये रहा हम लोग का आज का इलस्ट्रेशन। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइज, मेरा एम है ये मंथ के एंड तक अराउंड 200 सब्सक्राइबर्स करने का, तो आप लोग ही कर सकते हैं आप लोग के हेल्प से। सो इट्स अप टू यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।